हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनिंदर कुर्मी, आप देख रहे हैं ऑल नॉलेज में आपका स्वागत। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अगर ईमेल से आप किसी को फाइल भेजते हैं तो आपने ये देखा 25 MB से अगर ज़्यादा होती है MB तो आपने ये देखा ईमेल जा नहीं पाती है, उससे गूगल ड्राइव पे चली जाती है। अगर आप 25 MB से 30 MB हो, 50 MB हो, 100 MB, जितनी भी MB हो, ये 1 GB फाइल भी है, तो आप उसे ईमेल के जरिए भेज सकते हैं किसी को भी। तो कैसे होगा दोस्तों, वीडियो पूरा देखो, आपको मैं कुछ ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो पूरे सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपके लिए मैं कुछ वेबसाइटें बताने वाला हूँ, तो आपको सबसे पहले जो वेबसाइट डालनी होगी उस वेबसाइट का नाम है, आपको यहाँ पर मैं शो करा दूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर होगा filemail.com, यानी कि यहाँ पर भी देखते हैं filemail.com, यानी कि इतने जैसे गूगल पर आप सर्च करके देखेंगे filemail.com तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ से एक सिंकअप करना पड़ेगा। आपका एक अकाउंट होगा जिसकी आपका नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद आप गेट स्टार्ट करने के बाद आप उसमें कोई मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। कुछ दोस्तों फ्री होता है, वो आपको बताऊँगा बाद में इस तरीके से, ठीक है। दूसरी जो वेबसाइट है आपको मिलेगी फाइल टू फ्रेंड, यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरीके से, यहाँ पे दिखा रहा है फाइल टू फ्रेंड, और यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं दोस्तों जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फाइल टू फ्रेंड जी वेबसाइट आपको क्या कराएगी दोस्तों, आपको इसमें कोई अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा दोस्तों, इसमें डायरेक्टली आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ड्रैग, यहाँ पर होगा ड्रैग योर फाइल, यानी कि आप इसमें कोई ड्रैग करके फाइल भी डाल सकते हैं, या फिर आप चूज़ फाइल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक चूज़ फाइल कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको फ़ाइल पे जाना है, और जो भी फाइल आपकी है उसको आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से एक छोटी सी फाइल ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे नेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद मैंने आपको यहाँ देख पा रहे हैं ये 2 MB का लगभग है, और इसकी लिमिट आप देख पा रहे होंगे यहाँ से 1 GB तक की इसकी लिमिट है जो वेबसाइट है। अभी अगर अकाउंट बनाएंगे तो ये ज़्यादा अपलोड कर सकती है। यहाँ पे बताया जा रहा है योर ईमेल आईडी, और यहाँ पे फ्रेंड, यानी कि फर्स्ट वाले में आपकी ईमेल आईडी पड़ेगी, और सेकंड वाले में आपकी दोस्त की जिसको भेजना चाहते हैं। तो फटाफट मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी भर देता हूँ, जिसकी ईमेल आईडी ले लेते हैं IMKU, ठीक है, ओके। और फ्रेंड्स की ईमेल आईडी मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, यहाँ पे यानी कि डाल देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दी। उसके बाद क्या करना है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे छोटा सा ट्रांसफ़र लिखा हुआ होगा, ठीक है, इस तरीके से इसको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बताया जा रहा है प्रोवाइड योर फ्रेंड्स ईमेल, यानी कि जो ईमेल आईडी बता रहा है वो गलत बता रहा है क्या। अभी एक मिनट और देखते हैं, इसे दोबारा से इसे ट्रांसफ़र करते हैं दोस्तों। कोई नहीं, योर ईमेल आईडी होगी वो तो ठीक है, और यहाँ से इसी ईमेल आईडी को हटा के कोई दूसरी ईमेल आईडी डालते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई नहीं, यहाँ पे दोस्तों मैंने एक ईमेल आईडी चेंज कर दी, देखते हो सकता है हो या ना हो, तो लोग ट्रांसफ़र करते हैं। हाँ, आप देख पा रहे होंगे ईमेल आईडी थोड़ी घपला थी, यानी कि ईमेल आईडी दिक्कत कर रही थी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ प्रोसेसिंग दिखा रहा है, यानी कि जो भी आपकी MB होगी उसकी अपलोड हो रहा है जिस फाइल को आप भेजना चाहते हैं, प्रोसेसिंग दिखा रहा है यहाँ से देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर आपको मिलेगा अपलोडिंग, आपके यहाँ जितना फास्ट नेट होगा दोस्तों उतनी जल्दी आपकी जो फाइल होगी 1 MB से 1 GB तक की फाइल, वो उतनी ही जल्दी अपलोड हो पाएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसे अपलोड होने देते हैं, और देख पा रहे होंगे दोस्तों ये अपलोड हो चुकी है, और यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से एक शो भी करा रहा है, ठीक है, फाइल अपलोड कम्प्लीट, सो सम लव यू बता रहा है। यहाँ पे एक आपको लिंक मिला है, ठीक है, आपने जिसको ईमेल आईडी को सेंड किया था, यानी कि देख पा रहे हो, थोड़ा जूम करते हैं इस तरीके से, इनको हमने मैसेज भेजा था, ठीक है, वो लिंक आपका ये रहा, ठीक है, जो वाला ईमेल था, ठीक है, इस तरीके से। इस लिंक को आप कॉपी भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसे कॉपी लिंक ए टैक्स, ठीक है, कोई नहीं। अब मैं दिखाता हूँ आपका जो SMS गया वो गया कहाँ, ठीक है। तो हम ईमेल खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। उनके पास पहुंच चुकी है ईमेल आईडी पे, और जो हमने लिंक करा था उसको हम कहीं पर भी इसे सेंड कर सकते हैं, जिसकी किसको ईमेल करना है ईमेल के द्वारा। अब जिसकी आपके पास जो एक लिंक मिला है, ठीक है, जे वाला जो लिंक मिला है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे व्हाट्सएप पर किसी को भेज देता हूँ,
अगर किसी को व्हाट्सएप पे भेजूंगा मैं इस तरीके से, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से मैं किसी को भेजता हूँ इस ईमेल को, ठीक है, पेस्ट करके यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर उस बंदे को ओपन भी करेगा इस फाइल को, तो आपको डायरेक्टली वहाँ लेके जाएगा डाउनलोड करने के लिए। आप देख पा रहे होंगे अगर वो बंदा डाउनलोड करेगा इस फाइल को, ठीक है, इस फाइल को जैसे ही डाउनलोड करेगा उसके बाद इसमें आता क्या है, ठीक है दोस्तों, दिखाते हैं जब यहाँ आपकी फ़ाइल होगी, ठीक है, उसके बाद जो आपने अपलोड किया था वो दिखाएगा। अब ये कंटिन्यू बता रहा है, मैं दिखा दूँ आपको, कंप्लीट तरीके से दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। ये अपलोड होने लगी 160 KB की जो भी फाइल थी, ओपन कर सकते हैं इसे, था इसमें क्या, ये था दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। वीडियो लंबा होता है, होने दो, बट पूरा देखना। अब बताता हूँ जो तीसरी वेबसाइट है उसके बारे में, ठीक है, हमने दो वेबसाइट के बारे में बता दी। जो हमारी तीसरी वेबसाइट है उसका नाम आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक कोने पे होगा ड्रॉप, ठीक है, यहाँ से देख पा रहे होंगे ड्रॉप सेंड, dropsend.com। इस वेबसाइट पे क्या होता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक फाइल सेंड करना होता है, जैसे कि यहाँ से अगर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, फर्स्ट में सेंड योर फाइल, या फिर आपको यहाँ से बात बोलिए दोस्तों, ठीक है। जैसे सेंड यू फाइल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज खुलेगा दोस्तों, यहाँ देख पा रहे होंगे नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, ठीक है, इस तरीके से नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। इसमें क्या है दोस्तों, आप देख पा रहे हो सबसे फर्स्ट में दे रहा है फ्रॉम, यानी कि आपकी ईमेल, ठीक है, आपकी ईमेल हो गया। सेकंड में बता रहा है किसको भेजना चाहते हैं आप, मैं इसको भेजना चाहता हूँ। सब्जेक्ट में आप इसमें देखो कितनी अच्छी चीज़ है, सब्जेक्ट यानी फ़ोटो मांग रहा है, क्या मांग रहा है, मैं फ़ोटो लिख देता हूँ, ठीक है, फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटोज़। मैसेज में के साथ आप लिखना चाहते हैं या कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं, मैं इसके साथ लिखना भी चाहता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जैसे कि क्या हाल है, ठीक है, क्या हाल है, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अगर मैं इसको इतना ही लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ, अगर इसके साथ कोई फाइल अटैच करना चाहता हूँ तो फाइल अटैच भी कर सकता हूँ इसके साथ, ठीक है दोस्तों। यहाँ दिखा रहा है सिलेक्ट ए फाइल, इसको क्लिक किया, ओपन किया, इसमें कोई और फाइल अटैच करते हैं, ठीक है, कमी MB कर लेते हैं दोस्तों, जिससे कि जल्दी हो जाए। जल्दी के लिए दोस्तों यहाँ पे कोई फाइल लगभग 24 KB की है, कोई नहीं, इसको किया, और आपको करना होगा सेंड वाले पे, ठीक है, जो सेंड लिखा है सेंड योर फाइल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या आता है। ये बताया जा रहा है प्लीज़ चेक योर फॉलोइंग ऑलरेडी कनेक्टेड, ईमेल आईडी बता रहा है, जो आपने ईमेल आईडी डाली है वो कनेक्टेड है पहले से, ठीक है। इस तरीके से आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे पास दो ही ईमेल आईडी थी, कोई नहीं, इस तरीके से आप फाइल सेंड करेंगे उसके पास ईमेल आईडी पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं सारी एक वेबसाइट और मैंने बता रखी है, ठीक है, फायरफॉक्स के द्वारा आए, उस वीडियो का आपको जो भी होगा वो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और इस वीडियो को शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये दिक्कतें बहुत सभी लोगों की आती हैं मेल करने में, ठीक है, ज़्यादा फाइल लंबी है तो। और इस अगर आप पहले बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।